राधा के सच्चे प्रेम का है ये इनाम, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण का। श्री राधा कृष्ण के प्रेम को सबसे पवित्र मिलन कहा जाता है। कहते हैं जब राधा को चोट लगती थी, घाव कान्हा को लगता था। अगर प्रेम सीखना है तो इनसे बड़ी उदाहरण कोई और नहीं। इनके प्यार के किस्से जितने सुने जाए उतने ही कम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को बचपन से ही राधा पसंद थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को याद रखा। यही वजह है जो उनके रिश्ते को और खूबसूरत बनाता है। आप सब ये भी जानते ही होंगे, श्री कृष्ण को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, राधा और बांसुरी। दोनों का आपस में एक अलग सा जुड़ाव था। गोविंद की अपनी बांसुरी की धुन पर ही राधा को बुला लेते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम राधा के लिए ही बांसुरी को अपने पास रखते थे। ये बांसुरी ही है जो उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किया था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से मुलाकात की। राधा तो उनके मन की हर बात जानती थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और चले गए। इस दौरान कृष्ण ने राधा से ये वादा किया कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो आ ना सके। उधर रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा की जिंदगी में अलग मोड़ आ गया। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई। इसके बाद भी राधा कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों मन ही मन काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा महल में रहने के दौरान कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन वो महल में कृष्ण से आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने महल से दूर जाना तय किया। महल से जाने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। समय के हिसाब से राधा अकेली और कमजोर हो गई। ऐसे आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा तो राधा ने आखिरी बार बांसुरी बजाते देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रह सकें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।